है, मैं मेघा, न्यूज मूवी हिंदी में आपका आर्ट्स की सुर्खियां। खबर, कुलटी विधायक ने सीतारामपुर रेलवे स्टेशन के आसपास के कई क्षेत्रों की लाइट व्यवस्था को लेकर किया दौरा। आसनसोल मंडल द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। आसनसोल में अवैध निर्माण पर चल रहा हथौड़ा, एक एक बार से विचलित हो रहे अवैध निर्माण करने वाले। दिनेश गराई और साथियों पर जानलेवा हमला, आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम विफल हो जाएगा और यह अधिनियम एक मृत पत्र बन जाएगा। चार का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। दिल्ली से संतराज प्रसाद के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को देश भर के सूचना आयोगों में रिक्तियां भरने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि पद नहीं भरे गए तो सूचना का अधिकार अधिनियम का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा और अधिनियम मृत हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, सूचना आयुक्तों के पदों को भरने में राज्य सरकारों की विफलता RTI अधिनियम के उद्देश्य को विफल करती है और सूचना के अधिकार को प्रभावित करती है, जो रिक्तियां को नहीं भरने पर मृत पत्र बन जाता है। भारत के डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, पीठ RTI अधिनियम के तहत गठित सूचना आयोगों में बड़ी संख्या में रिक्तियों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सभी आयोगों में रिक्तियां की संख्या और अपीलों और शिकायतों की संख्या का एक चार्ट तैयार करने का निर्देश दिया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी, तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। 3 दिसंबर को होगी आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609773040। दिनेश गराई और साथियों पर जानलेवा हमला, आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में FIR। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार, भू माफियाओं के बीच वर्चस्व को लेकर हुई गोलीबारी के मामले में दिनेश गोराई, जयदेव मंडल और अन्य के खिलाफ आसनसोल नॉर्थ थाने में प्राथमिक दर्ज कराई गई है। वहीं दिनेश गराई और अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। लोअर कुमारपुर निवासी अरुण बावरी ने दिनेश गराई और उसके साथियों के खिलाफ आसनसोल नॉर्थ थाना में प्राथमिक दर्ज कराई है, जहां कथित तौर पर दिनेश गोराई और उसके साथी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। जब लोगों ने विरोध किया तो उन लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद उसके पास अवैध हथियार थे। 30 अक्टूबर को चंद्रचूर चौराहे पर दिन दहाड़े फायरिंग हुई थी। दिनेश गोराई ने जयदेव मंडल और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने जयदेव के 4 साथियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। पुलिस द्वारा दोनों मामलों की गंभीरता से जाँच की जा रही है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर आसनसोल, 713301। प्रोडक्ट्स आर बायोटिक, गार्नियर, एवर यूथ, निविया, सहनाज, मैमथ, O3 प्रोफेशनल, लोटस प्रोफेशनल, पतंजलि, जॉबिस, नेचर्स,
मेंस ग्लो प्लम एम कैफिन वीएलसीसी गुड वाइब्स ओला फेम ऑर्गेनिक राजा सुगर लैक्मे वेबलिन लोटस कलर पॉन्ड्स सिल्क मैट्रिक्स लोरियल बेला एटसेट्रा। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9126767709। आसनसोल में अवैध निर्माण पर चल रहा हथौड़ा, एक एक बार से विचलित हो रहे अवैध निर्माण करने वाले। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। अवैध निर्माण पर नगर निगम जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। अब तक आसनसोल का कोई मेयर शायद ही इस तरह का बड़ा निर्णय ले पाता। निगम की अभियंताओं और लीगल विभाग की पूरी टीम घटना स्थल पर मुस्तैद है। नगर निगम के विभिन्न विभागों तथा दमकल विभाग तथा बिजली विभाग द्वारा संयुक्त रूप से समन्वय बनाकर इस भवन को तोड़ने का काम किया जा रहा है। हालांकि जो मजदूर हथौड़े से भवन को तोड़ रहे हैं वह उसी व्यक्ति के अधीन बताए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इससे भवन तोड़ने में काफी समय लगेगा। अगर यहां मशीन लगाकर तोड़ा जाए तो जल्द टूट जाता है क्योंकि आसपास काफी दुकानें हैं। आसनसोल नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरके श्रीवास्तव ने कहा कि यह भवन अवैध तरीके से बनाया गया था जिसे आसनसोल नगर निगम द्वारा तोड़ने का ऑर्डर दिया गया था। आज इस आदेश को अमली जामा पहनाते हुए इस भवन को तोड़ा जा रहा है। जब आरके श्रीवास्तव से पूछा गया कि भवन के मालिक द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था, उन्होंने कहा कि भवन के मालिक ने क्या कदम उठाया था इसके बारे में वह कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन क्योंकि आसनसोल नगर निगम द्वारा इसे तोड़ने का आदेश दिया गया था इस आदेश को आज कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेयर विधान उपाध्याय के निर्देशानुसार आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में जहां भी अवैध निर्माण या अतिक्रमण होगा उसे जरूर तोड़ा जाएगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप जीटी रोड आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার পার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। আওয়ার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9563404288 and 8918940868। पलक झपकते ही ट्रेन के कोच में अब आग या धुआं का मिलेगा अलर्ट। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। आसनसोल ट्रेन के कोच में अब आग या धुआं निकलने ही पलक झपकते ही रेलवे को जानकारी मिल जाएगी, इसलिए जो धूम्रपान करने वाले लोग धूम्रपान निषेध बोर्ड और धूम्रपान के लिए जुर्माना लगाए जाने के बावजूद अभी भी ट्रेनों में धूम्रपान करने की अपनी बुरी आदत जारी रखे हुए हैं, उन्हें इस समय ऐसी आदतें बंद कर देनी चाहिए क्योंकि ट्रेन के डिब्बों में स्मोक डिटेक्टर उन्हें तुरंत पकड़ लेंगे। अग्निमिशन निवारक के रूप में भारतीय रेलवे ने कोच में सभी प्रकार के धुएं या आग को रोकने के लिए फायर डेडिकेशन एंड ब्रेक एप्लीकेशन सिस्टम स्थापित किया है। ऐसी स्थिति में भी सिस्टम अलर्ट मोड में चला जाएगा जिससे ट्रेन को रोकने के लिए स्वचालित ब्रेक लग सकते हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, चिल्ड्रेन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। आसनसोल मंडल द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। समाचार का यह भाग प्रायोजित एसके इन्फोकॉम द्वारा। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने आज 31 अक्टूबर 2023 मंगलवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आसनसोल में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। श्री चित्तानंद सिंह मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने आज सुबह मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर में उपस्थित आसनसोल मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इससे अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने और मजबूत करने की शपथ ली गई।
उसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के एक भाग के रूप में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आसनसोल से मंडल रेलवे स्टेडियम आसनसोल लोको ग्राउंड तक राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एक एकता दौड़ का आयोजन किया गया। इस एकता दौड़ में बड़ी संख्या में रेलवे सुरक्षा बल के जवानों, रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society, affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. आसनसोल वाराणसी आसनसोल मेमू एक्सप्रेस का संक्षिप्त समापन संक्षिप्त प्रारंभ। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। आसनसोल उत्तर रेलवे के वाराणसी जंक्शन यार्ड पर त्योहारी सीजन और यात्रियों की भारी भीड़ के कारण भीड़ से बचने के लिए 1-3-5-5-3 आसनसोल वाराणसी जंक्शन मेमू एक्सप्रेस 31 जून 2023 से 6-11 2023 तक होने वाली यात्रा को पश्चिमी दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन पर समाप्त कर दिया जाएगा और 1-3-5-5-4 वाराणसी जंक्शन आसनसोल मेमू एक्सप्रेस यात्रा 31 जून 2023 से 7-11 2023 तक होने वाली यात्रा का पश्चिमी दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन से ही संक्षिप्त प्रारंभ होगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन रूबिया फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारे। टीपी मार्केट आसनसोल, मोबाइल नंबर 9635640012। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आसनसोल में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ऑन डेट भुगतान कार्यक्रम संपन्न। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आसनसोल के नए सभाकक्ष में आज 31 जून 2023 को अक्टूबर 2023 के लिए ऑन डेट भुगतान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री आशीष भारद्वाज अपर मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल मंडल ने कुल 26 सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों, मृत रेलवे कर्मचारियों के विधवाओं को निपटान बकाया, TPO पेंशन भुगतान आदेश, निपटान विवरण और उम्मीद कार्ड, सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना RELHS कार्ड के बजाय सौंपा। इस कार्यक्रम में श्रीमती बबल यादव वरिष्ठ मंडल कार्यक्रमिक अधिकारी आसनसोल, डॉक्टर रजनी सिन्हा मंडल रेलवे अस्पताल आसनसोल और अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। फ्लुएंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश मैथ्स आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832239611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुद्धा हजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। ईस्टर्न रेलवे में टोरंटो समेत 8 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच। समाचार का यह भाग प्रायोजित एंजल द्वारा। महत्वपूर्ण रूटों पर रेल यात्रियों की अधिक संख्या को देखते हुए पूर्व रेलवे के 8 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया गया है। रेलवे की ओर से बताया गया कि 1-2-2-7-3 हावड़ा नई दिल्ली दुरंतो, 1-3-1-2-1 कोलकाता गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस कोलकाता से, 5-11-2023 गाजीपुर शहर से, 6-11-2023 2-2-3-2-3 कोलकाता गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस, 1-2-3-5-9 कोलकाता पटना गरीब रथ एक्सप्रेस, 1-3-4-2-5 मालदा टाउन जैसी कई प्रमुख मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में टिकटों की भारी मांग के जवाब में सूरत एक्सप्रेस, 1-3-4-1-5 मालदा टाउन पटना एक्सप्रेस, 1-3-5-0-7 आसनसोल गोरखपुर एक्सप्रेस और 1-3-5-0-9 आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस पूर्वी रेलवे इन 8 एक्सप्रेस ट्रेनों में अस्थायी आधार पर अतिरिक्त कोच बढ़ाने के अपने निर्णय की घोषणा करते हुए प्रसन्न है। इस सक्रिय कदम का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाना और विभिन्न तिथियों में रेल यात्रा की बढ़ती मांग को समायोजित करना है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।
कोचिंग फॉर मेडिकल नेट एंड एंट्रेंस एग्जाम बाय डी के लाल सर यादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। कॉल नाउ 9832824975। व्हाट टू बी अ डॉक्टर, होल्ड द हैंड्स ऑफ एन एक्सपर्ट। रेगुलर क्लासेस 11-12, ऋषि अरविंद नगर, बिरला रोड, कुलटी, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल। संख्या, जिले में बूथों की संख्या बढ़ गई है, मतदाताओं की संख्या करीब 23 लाख है। सलानपुर से मनोज शर्मा के अनुसार जिले भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य आज 1 नवंबर से शुरू हो गया है, 9 दिसंबर तक जारी रहेगा। आसनसोल में आज सुबह 11 बजे से ADDA कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला मजिस्ट्रेट एस पोनावलम की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। मतदाता सूची और अन्य संबंधित मामलों को सही तरीके से कैसे ठीक किया जाए, इस पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बताया गया कि मतदाता सूची में नया नाम, निवास परिवर्तन आदि समेत किसी भी जानकारी को दुरुस्त किया जा सकता है। पता चला कि इस संबंध में हर शनिवार और रविवार को विशेष अभियान के दिन तय किए गए हैं। ऐसा हर बूथ पर किया जा सकता है। नाम वापसी के लिए आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। किसी भी मामले में पूछताछ के लिए टोल फ्री नंबर 1950 का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बीच पता चला है कि पश्चिम बर्धमान जिले में मतदाताओं की संख्या अब 22,85,455 है। पहले जिले में बूथों की संख्या 2,468 थी, इस बार 25 बूथों की संख्या बढ़कर 2,493 हो गई है। इस बीच सलानपुर प्रखंड में बूथों की संख्या भी एक बढ़ गई, जिससे कुल बूथों की संख्या 145 हो गई। मालूम हो कि रूप नारायणपुर निःशुल्क प्राथमिक विद्यालय में पहले 2 बूथ थे, अब 3 बूथ, नंबर 69 हो गए हैं। अब सलानपुर प्रखंड में कुल मतदाताओं की संख्या 1,27,571 हो गई है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड YouTube चैनल न्यूज मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830। कुलटी विधायक ने सीतारामपुर रेलवे स्टेशन के आसपास के कई क्षेत्रों की लाइट व्यवस्था को लेकर किया दौरा। कुलटी से लाली गुप्ता के अनुसार सीतारामपुर रेलवे के लोको विदाई गढ़, दुर्गा मंदिर, लोको शिव मंदिर, सीतारामपुर स्टेशन कॉलोनी, टैगोर फुटबॉल मैदान के साथ सीतारामपुर बोकाबाब मंदिर के पास हाई मास्क लाइट, 12 घंटा स्ट्रीट पोल लाइट लगाने की जगह का चयन किया गया है। इस दौरान आसनसोल रेल मंडल के बिजली विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। कुलटी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार का यह दौरा सीतारामपुर रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले निजी और रेलवे परिवार के सदस्यों के लिए अहम कहा जा रहा है। दीपावली और आस्था का पर्व छठ पूजा में विधायक की बिजली व्यवस्था में कुछ जगहों पर पोल लगाकर लाइट लगाना, हाई मास्ट लाइट के साथ रेलवे के कई खंभों पर स्ट्रीट लाइट लगने से क्षेत्र में विकास के स्थानीय लोग में खुशी का माहौल देखा गया। इस दौरान भाजपा लीगल सेल के को कन्वेनर सह विधायक प्रतिनिधि विनोद सिंह सोलंकी, कुलटी मंडल के उपाध्यक्ष सह समाज सेवी टिंकू वर्मा, कुलटी मंडल 4 के महासचिव अनिमेश माझी, उपाध्यक्ष काजल दास, सचिव उत्तम मंडल 19 नंबर वार्ड के शक्ति प्रमुख मनोज मिश्रा थे। कुलटी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार से सभी जगहों पर भारी संख्या में लोगों ने विधायक से मिलने और अपनी समस्याओं को भी रखा। सीतारामपुर लोको शिव मंदिर के डॉक्टर शिव प्रसाद त्रिवेदी ने विधायक को धन्यवाद करते हुए कहा, लोगों का यह इलाके में बिजली व्यवस्था की मांग काफी समय से थी। अंत में डॉक्टर अजय पोद्दार कुलटी विधायक बोका बाबा मंदिर के पास पहुंचे, जहां उन्होंने ये नए पोल लगाकर 12 घंटा का स्ट्रीट लाइट लगाया जाने की बात कही। अब अंत में समय है मूवमेंट का SMS का। द ट्रूथ इज लाइक अ लायन, यू डोंट हैव टू डिफेंड इट, लेट इट लूज इट विल डिफेंड इटसेल्फ। सत्य शेर की तरह है, आपको उसका बचाव करने की जरूरत नहीं है, उसे खुला छोड़ दीजिए, वह अपना बचाव खुद कर लेगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।